आदर अभिनंदन आभार नमस्कार आदाब सत श्री अकाल हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम दीपक धर्रा योर इंग्लिश ट्रेनर एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो टुडे वी आर गोइंग टू डू रिपोर्ट राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग एज यू ऑल नो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 10th, 11th एंड 12th क्लास सो टुडे वी विल लर्न हाउ टू राइट अ रिपोर्ट इन योर एग्जाम्स एंड गेट फुल मार्क्स जो रिपोर्ट राइटिंग होती है दैट कंटेन्स 10 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स तो 10 मार्क्स आपके पक्के हैं अगर आप अच्छे से समझ लेते हो कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे होती है रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है बट बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ आर अपकमिंग अपलोड्स सो आई थिंक यू मस्ट हैव सब्सक्राइब्ड सो चलते हैं आगे लेट्स गेट स्टार्टेड तो सबसे पहले आपको समझना है कि रिपोर्ट होती क्या है रिपोर्ट का मीनिंग क्या होता है रिपोर्ट का मीनिंग होता है कोई घटना घटी पास्ट में और उसके बारे में आपको ब्यौरा देना है आपको बताना है क्या क्या हुआ था वही हमारी रिपोर्ट होती है पुलिस स्टेशन में आप रिपोर्ट लिखाने जाते हो कई बार राइट आपने देखा होगा लेडीज़ भी जाती हैं जो मेल्स होते हैं उनके अगेंस्ट में कि भाई ऐसा सा हुआ मेरा पति मुझे मारता है उसने मुझे बहुत पीटा ये हुआ था वो हुआ था उसने मेरे बाल पकड़े खींचे यानी पूरा घटना का ब्यौरा देना उसी को हम क्या कहते हैं रिपोर्ट रिपोर्ट हमारी होती है टू टाइप्स की व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स पहली होंगी अच्छे वाली दूसरी होंगी बुरे वाली अच्छे वाली मतलब कोई अच्छी घटना घटी है उसको हम बोलेंगे अच्छे वाली रिपोर्ट बुरे वाली मतलब कोई एक्सीडेंट हुआ है कोई आपदा आई है राइट कोई गलत चीज़ है उसके बारे में बताना उसको हम बोलेंगे बुरे वाली रिपोर्ट तो अच्छे वाली रिपोर्ट ज़्यादातर जो आपकी आती हैं वो आती है हमारे स्कूल मैगजीन के लिए रिपोर्ट और सेकेंडली होती है हमारी जो कि स्कूल के लिए नहीं होती हमारी न्यूज़पेपर रिपोर्ट होती है जैसे कि मान लो रोड पे एक एक्सीडेंट हो गया आपसे आपने बताया कि भाई ऐसा सो हुआ कल मैं बस स्टैंड पे गया था आई वेंट टू बस स्टैंड एंड आई सो अ मैन ऑन बाइक वॉज कमिंग वेरी फास्टली एंड ही वॉज राइडिंग हिज बाइक रैशली एंड सडनली आई सो अ ट्रक इन अपोजिट साइड ऑफ द रोड तो आपने देखा कि वहाँ पर एक रोड एक्सीडेंट हुआ था ठीक है तो रोड पर एक्सीडेंट हो गया उसके बारे में आप बताओगे उसके बारे में जो भी आप बातें बताओगे पहली बात तो पास्ट में हुई है उसका जो भी आप ब्यौरा दे रहे हो आप क्या कर रहे हो रिपोर्ट दे रहे हो आपने रिपोर्टर्स भी देखे होंगे वो क्या करते हैं कि सर ऐसा ऐसा हुआ यहाँ पर एनसीसी का विरोध हुआ यहाँ पे ये हुआ था इतनी गाड़ियाँ जला दी गई ये कर दिया गया दैट इज़ कॉल्ड रिपोर्ट वो न्यूज़पेपर रिपोर्ट होती है दूसरी रिपोर्ट हमारी जो अच्छे वाली होती है वो होती है स्कूल मैगजीन वाली जिसके अंदर हम स्कूल में कोई घटना घटी है कोई अच्छे वाली बुरी वाली नहीं अच्छे वाली कोई फंक्शन हुआ है कोई सेलिब्रेशन हुआ है जैसे कि मान लो एनुअल फंक्शन मनाया गया है ब्लड डोनेशन कैंप हुआ है उसके बारे में बताना है रिपोर्ट बहुत ही सिंपल होती है एक बार पैटर्न समझ गए कुछ ही लाइन्स आपको चेंज करनी है और डेफिनेटली आप बहुत अच्छी रिपोर्ट लिख के आ सकते हो अपने एग्जाम में तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है स्कूल मैगजीन के लिए रिपोर्ट रिपोर्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे यानी स्कूल में इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन किया गया है तो कैसे आपको रिपोर्ट लिखनी है चलो करते हैं स्टार्ट सबसे पहले आप क्या करेंगे कॉपी के बिल्कुल बीचों बीच जो फर्स्ट लाइन होगी उसमें टॉपिक डालोगे बीच में जैसे कि हमने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन राइट ऐसे आपको लिखना है बीच में टॉपिक उसके बाद एक लाइन छोड़ देना ऑन द लेफ्ट साइड यू हैव टू राइट एड्रेस एड्रेस बिल्कुल शॉर्ट में लिखना है जैसे दिल्ली लिख दिया हमने कोई प्लेस है भजनपुरा लिख दिया आपने या आपने लिख दिया पुणे और उसके नीचे लिखोगे डेट ठीक है डेट लिखने के बाद राइट साइड में जस्ट राइट साइड में आपको लिखना है बाय एक्स वाई जेड बाय लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो रिपोर्टेड बाय लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनके मार्क्स मिलते हैं ऐसे ही आपको लिखना है बाय लिखना जरूरी होता है क्योंकि रिपोर्ट किसी ना किसी के द्वारा दी जाती है तो आपने देखा होगा ना बताते भी हैं कैमरामैन दीपक धरा के साथ डीडी न्यूज़ ऐसे करके बताते हैं ना तो वो क्या करते हैं बताते हैं कि भाई किसने रिपोर्ट दी है तो बाय लगाकर हम आप उसका नाम लिखेंगे एग्जाम में नाम दिया है तो डाल देना अगर नाम नहीं दिया तो आप लिख देना एक्स वाई जेड या खाली छोड़ सकते हैं डॉट 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 डैश लगा के क्लियर है उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है उसके बाद आपको स्टार्ट करनी है अपनी रिपोर्ट राइटिंग और काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है सर रिपोर्ट राइटिंग शुरू कैसे करें ये बड़ी समस्या आती है ना मोस्टली रिपोर्ट को जितनी भी आपकी रिपोर्ट हो आपको टॉपिक से शुरू करना है एक पैटर्न बना लेना उसी बेस पे आप स्टार्ट करो तो आपको कन्फ्यूजन ना होगी स्टार्ट कैसे करें हमारा टॉपिक क्या है इंडिपेंडेंस डे तो इसी से हम स्टार्ट करेंगे इंडिपेंडेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड बाय आर स्कूल ऑन 14th अगस्त 2020 यानी जो 14 अगस्त 2020 को हमारे स्कूल में क्या किया गया था जो इंडिपेंडेंस डे था वो सेलिब्रेट किया गया था तो हमने स्टार्टिंग में क्या किया इंडिपेंडेंस डे हमने टॉपिक डाला उसके बाद बाकी की लाइन सेम रहेंगी वो सेलिब्रेटेड बाय आर स्कूल ऑन 14th अगस्त 2020 फ्रॉम 9 AM to 3 PM ये हमने टाइम डाल दिया ऑन द स्कूल प्लेग्राउंड में ये सारी लाइन सेम रहनी है आपकी बस कुछ चीज़ों को चेंज करना है देखो प्लेग्राउंड है
प्लेग्राउंड को चेंज कर सकते हो आप, अगर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा उसमें दे रखा हो कि ऑडिटोरियम लिखना तो आप ऑडिटोरियम डाल दोगे, यहाँ पे कुछ और दे रखा है तो कि यहाँ पर सेलिब्रेशन हुआ तो उस जगह का नाम डाल दोगे, बाकी चीज़ें सेम होगी। थोड़ा बहुत टाइमिंग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो या फिर अपने क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। अब मान लो यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे की वजह कोई और टॉपिक होता, जैसे मान लो होता आई चेकअप कैंप होता या फिर ब्लड डोनेशन कैंप होता, तो आप डालते ब्लड डोनेशन कैंप वोज, अब सेलिब्रेट की जगह आपको लिखना ऑर्गेनाइज्ड, वो सेलिब्रेट मनाया थोड़ी ना जाएगा, वो ऑर्गेनाइज किया जाता है, वोज ऑर्गेनाइज्ड बाय आर स्कूल, सेम रहा ऑन, आपने डेट डाल दी, डेट कुछ भी हो सकती है, जैसे 14 अगस्त लिखा तो कुछ भी हो सकता था, 14 अगस्त 2020 फ्रॉम 9 AM टू 3 PM, समय भी आ जाएगा यहाँ पे, ऑन द स्कूल प्लेग्राउंड, स्कूल प्लेग्राउंड में, बाकी लाइन सेम रही, ऐसे आपको स्टार्टिंग करनी है। उसके बाद मोस्टली लाइन आपकी सेम ही रहेंगी, क्योंकि MLA आए थे, डेकोरेशन हुई थी, ये हुई थी, वो हुआ था, वो होता, सारी रिपोर्ट में सारी बातें बताई जाती हैं, क्लियर है? तो आगे देखते हैं। MLA मिस्टर दीपक धर्रा वॉज द चीफ गेस्ट, जो MLA था मिस्टर दीपक धर्रा वो क्या थे, हमारे चीफ गेस्ट थे। अदर रिवियर्ड गेस्ट वर ऑल्सो इन्वाइटेड, अन्य जो रिवियर्ड, रिवियर्ड का मतलब क्या होता है, सम्माननीय, इज्जतदार, जाने माने, प्रतिष्ठित। अदर रिवियर्ड गेस्ट वर ऑल्सो इन्वाइटेड, और अन्य जो गेस्ट थे वो भी बुलाए गए थे, जो कि सम्मानीय गेस्ट थे। सो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ होगा, हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, तो मोस्टली में सब कुछ सेम ही रहेगा, बस टॉपिक चेंज हो जाएगा। सो नेक्स्ट पैराग्राफ की स्टार्टिंग करनी है हमें, द फंक्शन स्टार्टेड विद द फ्लैग होस्टिंग, यानी झंडा फहराकर, लाइटिंग ऑफ लैंप, लैंप चलाकर, एंड नेशनल एंथम के साथ हमारे जो फंक्शन था उसकी क्या हुई थी, स्टार्टिंग हुई थी। फॉलोड बाय विच, फॉलोड बाय विच का मतलब क्या होता है, उसके बाद। अगर आपको मुश्किल लगता है फॉलोड बाय विच, आप यहाँ पर डाल सकते हो आफ्टर दैट, सिंपल, या फिर डाल सकते हो देन, यानी उसके बाद, आफ्टर दैट, या फिर कह सकते हो फॉलोड बाय विच सरस्वती वंदना, उसके बाद क्या हुई थी, सरस्वती वंदना हुई थी। तो ऐसे हमारे प्रोग्राम की स्टार्टिंग हुई थी। स्कूल बिल्डिंग वॉज फुली डेकोरेटेड, जो स्कूल की बिल्डिंग थी वो पूरी तरह डेकोरेट की गई थी विद फ्लावर्स, फूल लगाकर, फेस्टून्स, फेस्टून होते जो झालर वगैरह लगाते हैं ना सजाने के लिए, डेकोरेशन के लिए फेस्टून्स, बैनर्स, बड़े बड़े बैनर्स लगाए गए थे, एंड कलरफुल फ्लैग्स, और रंगीन झंडे लगाए गए थे। ये सारी लाइन देखो हर एक में चलेंगी जो अच्छे वाली रिपोर्ट्स होंगी, एक्सीडेंट वगैरह में तो चलेंगी नहीं। मान लो आई चेकअप कैंप है, ब्लड डोनेशन कैंप है, इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है, कोई भी सेलिब्रेशन है, सब में लाइन सेम रहेंगी, ठीक है। फ्लैग्स वगैरह लगाए गए थे, सजाया गया था। अब बिग टेंट वॉज पिच्ड, एक बड़ा सा जो टेंट था वो लगाया गया था, पिच मतलब होता है लगाना, टेंट को लगाना, इन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड के अंदर। देर वॉज अ गुड सिटिंग अरेंजमेंट, एक बहुत अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट किया गया था, बैठने के लिए अरेंजमेंट था सबके लिए, फॉर एवरी वन, सबके लिए। अ बिग स्टेज वॉज इरेक्टेड, इरेक्ट मतलब लगाना, एक बड़ी सी स्टेज भी लगाई गई थी एट द यार्ड ऑफ स्कूल, जो स्कूल का जो यार्ड है वहाँ पर, स्कूल के आंगन में एक बड़ी सी स्टेज लगाई गई थी। अबाउट 1000 पीपल अटेंडेड द फंक्शन, अटेंड मतलब आए थे, तो लगभग 1000 लोगों ने क्या किया था, फंक्शन को अटेंड किया था। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है रिपोर्ट राइटिंग के अंदर, आपको सभी चीज़ों का पास्ट बना देना है, आपको पास्ट फॉर्म्स का यूज़ करना है इसके अंदर, पास्ट वाले वर्ड्स, इज एम आर का यूज़ नहीं करना इसमें, करना वॉज वर्ब का, हैज हैव का यूज़ नहीं करना, आपको करना है हैड का, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म का यूज़ नहीं करना, आपको करना है सेकंड फॉर्म का, क्योंकि सेकंड फॉर्म बताती है पास्ट के बारे में। देखो रिपोर्ट है पास्ट की है, ऐसा ऐसा हुआ था, ये हुआ था, पास्ट की तो बातें बताओगे ना, तो आपको याद रखना है पास्ट के टेंसेज का इसके अंदर यूज़ करना होता है। स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड, सेकंड फॉर्म लगी है ना, पार्टिसिपेट किया था, स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, पार्टिसिपेटेड इन वेरियस कल्चरल प्रोग्राम्स, अलग अलग प्रकार के, भांति भांति प्रकार के जो कल्चरल, सांस्कृतिक जो प्रोग्राम थे उनके अंदर, लाइक कौन कौन से, जैसे कि पोएम्स, प्लेज जो नाटक होते हैं वो, डांसिंग, ड्रामा, ETC, इन सभी में लोगों ने, बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। पार्टिसिपेटेड सेकेंड फॉर्म लगेगी, हर एक चीज़ की सेकेंड फॉर्म लगती जाएगी, आप देखना। एवरी क्लास चोज, ये सेकेंड फॉर्म है, चूज़ किया था फॉर इट्सेल्फ अ नेम आफ्टर द नेम ऑफ सम फ्रीडम फाइटर, उन्होंने क्या किया था, सबने अपना अपना एक नाम चूज़ किया था फ्रीडम फाइटर के आधार पर, जैसे कि मान लो हमारे भगत सिंह थे, राजगुरु, सुखदेव, सबने अलग अलग अपना नाम चूज़ किया, एंड डिस्प्लेड थ्रू डिफरेंट, डिस्प्ले की सेकंड फॉर्म डिस्प्लेड, एंड डिस्प्लेड थ्रू डिफरेंट मीन्स इन द लाइफ एंड सेक्रीफाइसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्रीडम फाइटर, और उनके जो सेक्रीफाइस थे, सेक्रीफाइस मतलब क्या होता है, बलिदान, उनके बलिदान के बारे में बताया गया कि किस प्रकार उन्होंने देश के लिए जान दी और अपने देश को आज़ाद कराया। सम ऑफ द डिस्प्लेड पर्टिकुलरली द हैंगिंग ऑफ भगत सिंह, उसमें क्या भी दिखाया गया था कि भाई किस प्रकार भगत सिंह को फांसी दी गई थी, देश उन्होंने फांसी को हंसते हंसते चूमा था, तो उसके बारे में बताया गया कि सुन, ये करके दिखाया, राजगुरु एंड सुखदेव, कैसे इन तीनों को फांसी मिली थी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को। वर वेरी टचिंग, बहुत ही क्या था ये, टचिंग था, टचिंग मतलब दिल को छू लेने वाला, जब फांसी वाला सीन दिखाया गया कि किस प्रकार हंसते हंसते उन्होंने क्या किया था, फांसी को स्वीकार किया था भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने, तो बहुत ही टचिंग था, टचिंग मतलब दिल को छू लेने वाला।
The lathi charge of Lala Lajpat Rai and Gandhiji's Dandi March were enacted by the students of two houses. तो जो लाला राजपत राय के ऊपर जो लाठियाँ चलाई गई थी, लाठियाँ बरसाई गई थी, वो सीन भी उसकी भी उन्होंने नाटक करके दिखाया था बच्चों ने. उसके अलावा गांधी जी की जो दांडी यात्रा थी, जो दांडी तक उन्होंने यात्रा की थी, नमक कानून तोड़ा था, उसके बारे में इनेक्टेड. इनेक्टेड मतलब क्या था, होता है अभिनय करना, यानी एक्टिंग करना. उन्होंने एक्टिंग करके यानी रोल प्ले किया था. ठीक है, लाला लाजपत राय एंड एम के गांधी हाउस, यानी दो अलग अलग जो सदन बना दिए जाते हैं बच्चों के स्कूल में, तो अलग अलग सदन ने अलग अलग अपना जो प्रोग्राम था अभिनय करके दिखाया था. रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली मतलब यहाँ पे रिस्पेक्ट का मतलब इज्जत, इज्जत नहीं है यहाँ पे रिस्पेक्टिवली का मतलब. तो रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, क्रम अनुसार, यानी बारी बारी, जैसे कि अब ये प्रोग्राम आएगा फिर ये आएगा, तो ऐसे अलग अलग प्रोग्राम्स हुए थे. तो ये हमने बताया कि क्या क्या फंक्शन में हुआ था. अब हम करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ. ऑल द मेरिटोरियस पार्टिसिपेंट्स, मेरिटोरियस मतलब क्या होता है, जो गुणी प्रतिभाशाली, जिन्होंने इतना अच्छा रोल किया, इतने अच्छे अच्छे रोल्स प्ले करके दिखाए, अलग अलग पोएम सुनाई, तो जितने भी मेरिटोरियस पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने भाग लिया था, वर अवॉर्डेड, उन सबको क्या मिले थे, अवार्ड्स मिले थे. वर लगाना है, वॉज वर लगता है, ठीक है ना, पास्ट में इजमार नहीं लगा, तो वर अवॉर्डेड, अवार्ड दिया गया था. इट वॉज अ मोमेंट, यह एक समय था, क्षण था, मोमेंट थे, कुछ पल थे, ऑफ प्राइड, किस चीज़ के, प्राइड के क्षण थे ये. व्हेन स्टूडेंट्स वर अवार्डेड, जब स्टूडेंट्स को क्या मिला था, अवार्ड्स दिए गए थे. देखो यहाँ पर भी वर आया है, क्यों, रिपोर्ट हमेशा पास्ट में लिखी जाती है. द चीफ गेस्ट डिलीवर्ड अ मार्वलस स्पीच एंड मोटिवेटेड द स्टूडेंट्स. मार्वलस का मतलब क्या होता है, शानदार. एक शानदार स्पीच दी थी कि इन्होंने, चीफ गेस्ट ने, डिलीवर की सेकंड फॉर्म लगी है डिलीवर्ड, क्योंकि स्पीच दी थी पास्ट में. तो मार्वलस की जगह पे आप कोई और वर्ड अगर यूज करना चाहो तो आप कर सकते हो, जैसे कि आप यूज कर सकते हो रिजाउंडिंग. रिजाउंडिंग का मतलब क्या होता है, जबरदस्त. तो आप यहाँ पर लाइन बोलोगे, द चीफ गेस्ट डिलीवर्ड अ रिजाउंडिंग स्पीच. रिजाउंडिंग की जगह पे आप एक दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हो, दैट इज ड्रेस्टिक. ड्रेस्टिक का मतलब भी क्या होता है, जबरदस्त. द चीफ गेस्ट डिलीवर्ड अ ड्रेस्टिक स्पीच एंड मोटिवेटेड द स्टूडेंट्स. आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे, मार्वलस स्पीच, रिजाउंडिंग स्पीच एंड ड्रेस्टिक स्पीच. ठीक है, एंड मोटिवेटेड द स्टूडेंट्स, और मोटिवेट किया बच्चों को, पास्ट की बात है तो मोटिवेट का बन गया, मोटिवेटेड सेकंड फॉर्म लगी है. अब हम करेंगे लास्ट का पैराग्राफ, लास्ट में थोड़ी फिनिशिंग करेंगे कि कैसे एंड हुआ. लास्ट में प्रिंसिपल सर ने स्पीच दी और रिफ्रेशमेंट का प्रोग्राम था, ये था, ऐसा बता के हम, कि मेमोरेबल डे था, ऐसा बता के हम स्पीच को एंड कर देते हैं, ऐसा हम बता के अपनी रिपोर्ट का एंड कर देते हैं. लास्ट पैराग्राफ, द सेलिब्रेशन केम टू एंड विद नेशनल एंथम संग बाय द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल. जो नेशनल एंथम के साथ हमारा प्रोग्राम का एंड हुआ, कम की सेकंड फॉर्म होगी केम, केम टू एंड, यानी अंत तक पहुंचा. प्रिंसिपल डिलीवर्ड अ ब्यूटीफुल स्पीच एंड एंडेड अप द प्रोग्राम. जो प्रिंसिपल सर थे उन्होंने एक ब्यूटीफुल, एक बहुत ही सुंदर स्पीच दी थी. यहाँ पर भी आप वही वर्ड यूज कर सकते हो जो मैंने बताए थे, मार्वलस, रिजाउंडिंग, ड्रास्टिक, राइट. तो उन्होंने एक बहुत सुंदर स्पीच दी, ब्यूटीफुल स्पीच एंड एंडेड अप द प्रोग्राम, और एंड कर दिया प्रोग्राम का, तो एंड का बन गया एंडेड, एंडेड अप द प्रोग्राम. दिस वॉज रियली अ मेमोरेबल एंड सक्सेसफुल इवेंट. यानी सच में जो ये क्या था, हमारा दिन था एक मेमोरेबल, यानी यादगार और एक सफल हमारा इवेंट था. ठीक है, नहीं आज भी हमें इसकी याद आती है, बहुत हमने इन्जॉय किया था. देर वॉज ऑल्सो एन अरेंजमेंट ऑफ शॉर्ट रिफ्रेशमेंट, यानी अंत में रिफ्रेशमेंट का भी इंतजाम किया गया था. रिफ्रेशमेंट का मतलब क्या होता है, खाने पीने की व्यवस्था भी की गई थी, यानी लोगों को, बच्चों को, जो पेरेंट्स आए थे उनको सबके लिए कुछ फ्रूटी वगैरह, कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह बांटकर रिफ्रेशमेंट भी दिया गया था. सो ये हमारी होती है रिपोर्ट. तो रिपोर्ट में क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, पहली बात तो ज़्यादा बड़ी मत लिखना, 150 टू 200 वर्ड्स आर इनफ, और इसी के बीच में लिखना, ज़्यादा बड़ी या ज़्यादा छोटी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए. ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं बड़ी बड़ी लिख देंगे तो हमें ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं होता, वर्ड लिमिट्स में ही होना चाहिए. नेक्स्ट थिंग, आपको काफ़ी चीज़ें आपकी सेम ही रहेंगी, कुछ मेन मेन चीज़ें चेंज हो जाएंगी, बस टॉपिक का नाम चेंज हो जाएगा. ठीक है ना, हो सकता है थोड़ा टॉपिक के ऊपर अकॉर्डिंग आपको थोड़ा चेंज करना पड़े, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप है तो आप बताओगे कि भाई ब्लड डोनेट किया गया था, ब्लड वॉज डोनेटेड, और प्रिंसिपल सर ने डोनेट किया, हमारे टीचर्स ने किया, तो डॉक्टर्स आए थे, थोड़ी बहुत लाइन चेंज हो सकती है, बाकी लगभग क्या रहेगा, सेम रहेगा. डेकोरेशन हुई थी, टेंट लगा था, सजावट हुई थी, ये हुआ था, स्पीच दी गई थी, ये चीफ गेस्ट थे, लगभग सेम होंगी. तो अच्छे से आप इन लाइन्स को रट लेना, और कोई भी स्पीच आ जाए आपको सिर्फ क्या करना है, टॉपिक चेंज करना है, थोड़ी बहुत लाइंस चेंज करनी है, बाकी सब कुछ सेम लिखना है आपको. ठीक है, और ऐसे करोगे गारंटेड आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है. और वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, और एक प्यारा सा कमेंट अपनी तरफ से जरूर दें. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार. और हाँ, अगर किसी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, सो दैट आई कैन मेक वीडियो फॉर यू ऑन दैट टॉपिक. सो बाय, टेक केयर, गुड नाइट.